कल भी कोई आया आपका केस? और फुल डे उन लोगों को वहाँ पे लग गया, क्योंकि जैसा हमने बात किया था लोगों से कि हमारे पास क्योंकि स्टाफ थोड़ा सा आज कम था, तो साहिल को छुट्टी के लिए दिन भी मुझे बुलाना पड़ा, और वहाँ पे फिर उठाने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे थे बैल को। अभी हाईवे है ना, मतलब काफ़ी ट्रैफिक है ना, हम सोचे थोड़ा लिंक में चले जाए उसके बाद ही करते हैं। रेड किया था ब्राइटगन से बस, तो फिर वो मुश्किल हुई उनको, फिर वो लोग होश में थोड़ा आने का इंतज़ार किया, फिर उसको धीरे धीरे चला के गाड़ी में चढ़ाया उन्होंने, और उसके बाद लेके आए। शाम को पहुँचे हैं वो लोग 4:30 के आसपास। जो उसका पीनस वाला एरिया, वहाँ पे बहुत बुरा वुंड है, कट हुआ है, 2 जगह कट है। तो कैसे? नो आइडिया। कांटे वाली तार से टाइप या किसी ने मारा है? पॉसिबल है कोई मार भी सकता है, बड़े सिंग वाला बैल, ये भी पॉसिबल है। पहले तो कम थोड़ा क्लीनिंग हो, फिर उसके बाद इन्फेक्शन हटे, उसके बाद हम वहाँ पे सूचर लगा के देख सकते हैं, क्योंकि 2 जगह से कट है, तो जैसे यूरिन भी आता है, तो पहले बहुत ज्यादा बुरा हुआ। पीनस में कट है, नॉट की उस एरिया में, एरिया में पूरा डैमेज है, इतना स्वेलिंग है उसके। तो व्हेन ही इज पीइंग, जैसे हमारे पास एक गाय आई थी बहुत पहले, जिसका पेट फटा हुआ था, वो गोबर करती थी, तो वो ये नहीं पता था गोबर से, हाँ पेट से गोबर गिरता था। और दिस इज तो बैड, और दिस इज लाइक सुनने में ही दर्द हो रहा है। मैगेट्स भी लगे ऐसे। ओके, तो इसको तुम पेन किलर तो ऐसे दे रहे होगे ना, जैसे कैंडी? जी बिल्कुल, पेन किलर भी चल रहा है अच्छे से, और कल तो इसकी क्लीनिंग हुई अच्छे से, आज फिर से क्लीनिंग एकदम से। हमारी धनिया अडॉप्ट हो रही है धर्मशाला में। नीरज जी कुछ दिन पहले आए थे एक पपी को देखने, उन्हें अडॉप्ट करना था, और उन्हें धनिया बहुत पसंद आई थी, लेकिन उस समय उसकी ऊपर की जो स्टेपल्स थे जहाँ पे उसकी पिनिंग सर्जरी हुई थी, वो भी अभी निकालने बाकी थे, उसका एक्सरे कराना बाकी था, और उसका कोल लगा हुआ था। तो हमने उन्हें कहा कि वो थोड़ी दिनों के लिए वेट कर ले, ताकि इसके ये सारे प्रोसीजर्स ख़त्म होने के बाद हम उसे अडॉप्शन पे दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पालमपुर हॉस्पिटल बंद होने के वजह से ये पूरा प्रोसेस डिले हो गया है, और वो मान चुके हैं कि वो उसे अडॉप्ट कर लेंगे, और जब भी पालमपुर हॉस्पिटल फिर से खुल जाएगा तो हम उसे भेज देंगे आगे की उसकी चेकअप कराने के लिए। ये पपी आया है अभी नगरोटा से ना, इसका फ्रंट लेग में काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। कैसे हुआ, कुछ पता है आपको? फिर आसपास पूछा मैंने तो, इन्होंने बोला कि 10-15 दिन हो गए, किसी गाड़ी वाले ने कुछ हो गया था। मैंने बोला चलो इसको लोकल हॉस्पिटल में दिखाते हैं, उनके पास कुछ है नहीं इसके लिए। बहुत ज़्यादा मार्केट भी लग चुका है इसको ऑलरेडी, देर लग रहा है कि एम्पुटेशन ही होगी, क्योंकि सामने का जो पूरा हिस्सा खराब हो चुका है। बस जान बचनी चाहिए इसकी, बाकी कोई परेशानी, पूरा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हम अभी मसूरी के लिए रील बना लगे, क्योंकि मसूरी जो है अभी तो क्यूट है, तो फिर भी शायद अडॉप्ट हो जाए। अभी थोड़े टाइम में फिर उसके हाथ पैर पूंछ कान अलग से बड़े होंगे, कुत्ता अलग बड़ा होगा, फिर वो इतनी क्यूट नहीं रहेगी। जहाँ पे स्कल टूटा है ना थोड़ा थोड़ा, जहाँ हमने बताया था कि टिश्यू रिफॉर्म हो जाएगा, तो ये वैसे ही वर्क कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसकी रिकवरी हुई है, और नोज से डिस्चार्ज भी काफ़ी कम हो गया ना। बेटू बाहर जाना, अभी ये बाहर भी निकलती है ना, दिन में कम से कम 2 बार हम इसको बाहर निकालते हैं, आराम से बैठती है, घूमती है, तो खुश रहती है, और वॉलेंटियर्स के साथ इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी है अभी, है ना बेटू? आज हम चिंगम के पैरों की बेटाडीन डिप्स कर रहे हैं टू क्योर पोडोडर्मेटाइटिस। इसके पैरों में काफ़ी रेडनेस है, तो बेटाडीन डिप्स से वो थोड़ी कम हो जाती है, फिर हम इसके पैरों को सुखाएंगे अच्छे से, और उसमें हम पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। कांगड़ा से हमें कॉल आया है कि एक बैल को किसी ने गले से लेकर उसके टांग तक एक रस्सी बांध दी है, जिसकी वजह से बैल बहुत ही अनकम्फर्टेबली झुका हुआ है और अपना सिर ऊपर नहीं कर पा रहा है। यहाँ से मंदिर के जो बंदे हैं वो मारते हैं इसको, तो उन्होंने इस बार रस्सी गले में डाल दी और इसके बाद पैर बांध दिए और चला नहीं जा रहा इससे जरा भी। क्यों मारते हैं? ऐसे ही वैसे ये बैठा, अभी आएंगे डांगे डूंगे लेके इनको मारना स्टार्ट कर देंगे। ये लड़ते हैं ना, फिर मारते हैं इनको, जब इनको दर्द होता तो हमारे यहाँ पे तोड़ देते हैं सामान सुमान, पर हम क्या करेंगे, हम थोड़ी मारेंगे इनको। अब इस क्लिप में उन्होंने मंदिर बोला, और ये क्लिप हमने बहुत डरते डरते रखा है कि भाई किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। तो देखिए, मैं तो खुद डंके की चोट पे हिंदू हूँ, हम गौ सेवा करते हैं, हमारा कहना ये है कि भाई अगर धर्म से जुड़े लोग भी गाय के साथ ये व्यवहार करेंगे तो हम किससे अपेक्षा रखें। पंजीरी जिसको हमने कांगड़ा से रेस्क्यू किया था, उसके सामने के दोनों पैरों में खुरों में वूंड थे, और एक पैर का खुर टूटा हुआ भी था। उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी दिन तक चली और रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। अब हम उसे रिलीज करने जा रहे हैं। अभी धनिया और टिंडा पालमपुर से वापस आए हैं,
और इनकी जो पिन रिमूविंग सर्जरी होनी थी वो कैंसिल हो गई है क्योंकि पिन बहुत अच्छे से सेटल्ड है और बोन पूरी तरीके से रिकवर हो गई है। तो अब हमें इनकी पिन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएंगे, पैर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अभी अडॉप्शन के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी हम श्रीमान को रिलीज़ करने जा रहे हैं। इसको हमने बीर चौक से रेस्क्यू किया था, पिक ट्रैप का केस था इसका, एक पैर का पंजा बुरी तरीके से पिक ट्रैप में फंस के कट चुका था और उसके बाद हमने इसका एम्पिटेशन सर्जरी किया था। इसकी न्यूट्रल सर्जरी भी हो चुकी है और ये पूरी तरीके से ठीक है, तो हम इसे वापस उसी जगह में छोड़ने जा रहे हैं। धनिया के डॉक्टर्स आए थे अभी उसे वापस करने के लिए, जिससे मेरी बात हो रही थी उसने ना अपने घर में बताया था कि वो एक पपी ले रहा है, हालांकि बात जब हमारी हुई थी तब पूरी की पूरी हो चुकी थी। हमारे साथ बहुत अभी रिसेंटली दूसरी या तीसरी बार हो रहा है कि किसी ने अपने घर पे ना बता के हमसे एक डॉग लिया है, जबकि हमें बताया है कि उसे पूरी बात कर रखी है घर पे, पेरेंट्स को पता नहीं था और उसको अपने रूटीन से एक टाइम निकाल के इसका ध्यान रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के। अडॉप्टर और उनके फादर आ गए थे और इसको छोड़ के गए। अभी हम जा रहे हैं, एक क्रूएल्टी केस है। प्रॉब्लम ये थी कि वो एक ऑलरेडी अबैंडन्ड पेट था और उसको दो साल से जो लोगों ने हमें कॉल किया वो ध्यान रख रहे थे क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुका है, उसकी आँखों से क्लियर दिखता नहीं, शायद कैटरैक्ट का भी इशू है। उसे खाना वगैरह देते तो यहीं पर रहता है ना, यहाँ से कोई इंसान आ रहा था उसको काट लिया था उसने। अच्छा। तो उसके बाद सारे लोग बोल रहे कि इसको मरवा देंगे क्योंकि रैबिस होता है कुत्तों को, ये होता है, तो उसको सारे मारने की तैयारी करके रखी हुई है। तो वो जो लेडी है जो ध्यान रखती है उन्होंने बताया कि वो कैसे भी बस कन्विंस करना चाहती है कि इस डॉग के साथ कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे आएगा तो हम उसकी न्यूटर सर्जरी कर देंगे, थोड़ा हम भी देख लेंगे कि ह्यूमन के साथ फ्रेंडली हो जाए अगर नहीं है तो बाई चांस, और जो भी हो सकेगा हम करेंगे और फिर वापस उसको वहीं पे छोड़ देंगे। रात को एक लेट केस भी आया था, बैल आया था धर्मशाला से जिसको वायर के वजह से चोट लगी थी पैर में, वायर बहुत टाइटली ऐसे कट हुआ है उसको और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से उसको हम यहाँ लेकर आए थे। उसकी इनिशियल ट्रीटमेंट तो वहाँ धर्मशाला में धीरज महाजन ने करा दी थी लेकिन ब्लड नहीं रुक रहा था, इस वजह से यहाँ पे आए। मैंने सर से बात की तो सर ने बताया कि यहाँ जब वो आया तब ब्लड फ्लो बंद हो गया था उसका और अभी उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, काफ़ी डीप वुंड है, समय लगेगा इसको। अब आप सारी कैचिंग, अब वो वैसी कैचिंग नहीं देखने को मिलती ना जब आप लोग जा रहे हो एकदम फिल्मी रस्सियाँ वगैरह। मतलब बैल का नेचर किस टाइप का, अगर शांत है तो हम लोग तो सबसे पहले बनाना लेके ही जाते हैं, हम लोग उससे ट्राई कर लेते हैं और नहीं होता और अगर बैल एकदम भागने लगे मारने लगे तब फिर हम डार्ट गन। मैं तो चाहता हूँ डार्ट गन यूज हो, मतलब वो रिस्क रहता है। हमीरपुर से विनीता जी के यहाँ से अभी तीन डॉग्स हमारे पास आए हैं, ये उनके किए हुए रेस्क्यू हैं। एक अबैंडन पिटबुल था जिसको मैगेट वुंड था जब उन्होंने रेस्क्यू किया था, अभी ये पूरी तरीके से ठीक है लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से अभी वो वहाँ नहीं रख पा रहे हैं, तो ये अडॉप्शन के लिए हमारे पास रहेगा कुछ दिनों के लिए। एक डॉग आगे है जिसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसकी भी ट्रीटमेंट वो काफ़ी दिन से कर रहे थे और अभी कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो एक पपी है पीछे जो पैरालाइज्ड है, अभी हमको थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है तो शायद इसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अभी हम इसको आइसोलेशन में रखेंगे और जो बड़ी डॉग है सबसे आगे उसको भी आइसोलेशन में ही रखेंगे। वो जो केस था जो अबैंडन पेट था, दो साल पहले किसी ने मारा था हमारे यहाँ, इसलिए था कि फिर लोग उसको थ्रेटन कर रहे हैं, क्या सीन है, वो वापस गया? हाँ सर, उसको सुबह ही भेजा मैंने, खाना ही नहीं खा रहा, चार दिन हो गए, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था देने को, ऐसे परेशान हो रहा था वो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फ्रेंडली सब कुछ ओके था हमारे साथ लेकिन खाना उसने एक बार नहीं खाया ना। और जो कॉलर थे उनका, मैंने उनको समझाया, उनसे बात की तो वो ध्यान रखेंगे अभी, और ऐसे तो काफ़ी शांत था तो अगर वो वीडियोस भी दिखाएंगे तो भी यूज़फुल है। बाकी हमने काउंसलिंग करने की कोशिश की है, देखते हैं आगे कुछ हुआ तो फिर हम लोग देखेंगे। अब इस डॉग का केस ये है कि भाई इसको दो साल पहले किसी ने अबैंडन कर दिया था गांव में ही और लोगों को पता है किसने अबैंडन किया, फिर एक और पड़ोसी ने उसके सर पे दरात मार दिया, जो भी मारा जिससे उसके चोट लग गई, पर वो हो गया ठीक है, वो डॉग शांत बैठा रहता है, किसी को उसने अलेजिडली काट लिया। अब भाई काट भी लिया, जानवर है, उसकी इंटेंशन तो नहीं है ना, तो आप साइड से होकर निकल जाओ अगर आपको लगता है कि ये डॉग काट सकता है। ऑफिस में भी ऐसे लोग होते हैं जो बिना बात के आपसे लड़ पड़ते हैं, तो आपके उनसे भिड़ते थोड़ा ना रहोगे। मुझे लगता है ये जो लोग होते हैं ना जिनको प्रॉब्लम होती है, अरे कुत्ता काट लेगा, अरे खाना मत दो, ये वो है, इनकी घर में लोगों से बनती नहीं है और इनका घर पे बस चलता नहीं, और भड़ास आके कुत्तों पे निकालते हैं, गाय पे निकालते हैं, या जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं, कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, उनसे आगे भिड़ते हैं ये फ्रस्ट्रेटेड लोग। इस पपी को हमने दो दिन पहले गग्गल से रेस्क्यू किया था, इसके लिए डॉक्टर स्मृति ने कॉल किया था, इसकी पूरी बॉडी अजीब तरीके से अकड़ी हुई है,
कोई एक्सीडेंट या किसी और चीज़ का हिस्ट्री उन्हें भी नहीं पता था, ना आसपास का कोई व्यक्ति बता रहा था। उस वक्त तो हम इसे ले आए यहाँ पे और अभी इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है नर्व डैमेज की। बहुत बेटर लग रहा है 2 दिन से कंडीशन, और अभी हम इसको शाहपुर भी भेजेंगे ताकि जो प्रॉपर इसका डायग्नोसिस है वो हो सके, क्योंकि हिस्ट्री बिल्कुल ना पता होने की वजह से डॉक्टर्स अभी बता नहीं पा रहे हैं कि इंटरनल प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसी कोई फैसिलिटी भी नहीं है। तो हम इसको एक बार भेज देते हैं शाहपुर और वहाँ पे एक्सरे वगैरह के बाद शायद कुछ समझ में आए। जो 3 केसेस हमीरपुर से विनीता ने हमारे पास भेजे थे उनमें से मीका जो अबैंडन्ड पेट डॉग था उसकी न्यूटर सर्जरी थी तो हमने अगले दिन कर दी थी, और अभी उसे हमें वापस भेजना पड़ा है क्योंकि विनीता ने बताया कि उनका जो बेटा मिसिंग था कुछ दिन से वो सुबह उन्हें मिला और अभी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है थोड़ा सा। तो क्योंकि वो मीका से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड था तो मीका का घर में रहना इस वक्त उसे हेल्प करेगा, इसलिए उन्होंने मीका को तो वापस बुला लिया है। हम अडॉप्शन की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद। एक थोड़ा बैड न्यूज़ भी था, 2 है एक्चुअली। जो पपी हमारे पास एम्पुटेशन वाला आया था नगरोटा से तो उसका क्या ब्लड बहुत कम था तो हमने पोस्टपोन कर दी थी सर्जरी कि कुछ दिन रुक के करेंगे। तो उसको क्या हुआ परसों, अभी केजेस इतने यूज़ हो रहे हैं कि थोड़े थोड़े जो डैमेज भी है हम लोग बना भी देते हैं ना उसको यूज़ करने से पहले, लेकिन पपीज कैसे भी करके निकल जाते हैं। तो परसों क्या हुआ, लंच के टाइम में वो बाहर निकल गया, और जो मैंने आपको बताया था ये भूसा ये सब खाने से पपीज़ को बहुत डैमेज होता है अंदर, तो वही चीज़ उसके साथ हुई। और कल मॉर्निंग में ब्लोट हुआ तो हम लोगों ने तो इमरजेंसी में सब कुछ दे दिया था, ब्लोट भी निकालने की कोशिश की पिन से, लेकिन हाँ पिन से, लेकिन नहीं बच पाया वो। और जो शाहपुर वाला बैल जिसके पिछले पैर में बोन टूटी हुई थी ना बुरी तरीके से, जिसका हम सिर्फ पेन मैनेजमेंट कर रहे थे, पर पेन किलर्स पे गया ना। हाँ हाँ पेन किलर्स पे था पूरा। कल जो 3 केसेस आए थे हमीरपुर से उसमें से एक जो पपी है वो पारो सस्पेक्टेड है, इस वजह से हमने उसको पीछे वाले काउशन में शिफ्ट किया हुआ था। तो अभी जब सारी ट्रीटमेंट हो चुकी है तब उसके ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। सेंसेशंस तो हैं पिछली टांगों पे, अरे हिट एंड रन का केस था तो कई बार हिट एंड रन की वजह से नर्व डैमेज हो जाता है, तो पिछली टांगों पे ये वेट बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है, तो इस वजह से हमने इसको नर्व टॉनिक्स पर रखा है। ये लूज मोशंस भी कर रहा है तो शायद पार वाला सीन ना हो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा आइसोलेट ही रखेंगे अभी, और उसके बाद ही हम इसको मेन क्लिनिक में शिफ्ट करेंगे। ये डॉग हमारे पास गग्गल से आया था, रविंदर जी ने मुझे फ़ोन किया था इसके लिए, वो कह रहे थे कि थोड़े से अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था ये डॉग, चीख रहा था ज़ोर ज़ोर से, उसके बदन में तो कोई ऐसी कोई घाव मिली नहीं उन्हें, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसको प्रॉब्लम क्या हुई है। वैसे वो उसे फीड वगैरह करते हैं बट वो थोड़े से परेशान थे इसके लिए, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया और वो खुद ले आए उसे यहाँ पे। हमने पहले बाहर ही उसका डायग्नोसिस किया बिकॉज अभी फ़िलहाल बाहर पार्वो फैला हुआ है, हम श्योर नहीं थे कि अगर उसे पार्वो या कोई ऐसी बीमारी होगी, तो हमें पहले ही बाहर चेक कर लिया। इसके स्पेशली जो टेरिकलर्ड इसका डायरिया था सस्पेक्ट कर रहे थे वो था कि इसके इंटेस्टाइन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, हो सकता है कुछ इसने कोई भी इनएनिमेट चीज़ खा ली हो जिसकी वजह से वो स्टमक में जाके फंस गई है। ट्रीटमेंट के बाद कल कुछ पीसेस उसके निकले हैं, स्पेशली हेयर बॉल्स जिसको हम बोलते हैं, हेयर्स निकले हैं इसके इंटेस्टाइन से, और उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा अभी तक रिलैक्स्ड है। अभी हम इसकी फ्लूड थेरेपी कर रहे हैं क्योंकि ये खाना बहुत कम खा रहा है, इसकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिले, और साथ में हम इसके नर्व टॉनिक्स और नर्व्स के इंजेक्शंस हमने इसके स्टार्ट कर रखे हैं। हमारे बाहर वाले मट बंगलोज ऑलमोस्ट बन के तैयार हैं, 1 अप्रैल को इनका उद्घाटन हो जाएगा, तो अब बस हम जो ऊपर कुछ क्रिएटिव खिड़की से बना रहे हैं, मैं आपको एक टूर भी दे देता हूँ। बाद में बने हैं मिट्टी के, बांस के, गोबर और चील की लकड़ी के, चील की लकड़ी थोड़ी सस्टेनेबल रहती है बाकी लकड़ियों के मुकाबले। ये लिविंग स्पेस है, ये किचनेट है, शावर है, वो तो लगभग मॉडर्न शावर की तरह ही है। अगेन ये दरवाजे हमें पुराने मिल गए, खिड़कियाँ हमें पुरानी मिल गई। ऊपर जो है ये बेडरूम की स्पेस है, यहाँ पे अब हम डिफ्यूज लाइटिंग के लिए ना हमने कुछ गैप छोड़े हैं, तो यहाँ पे हम ये बियर की बोतलें, वाइन की बोतलें इनका वो लगाएंगे। तो ये जो खेत है ये हमने लीज पे ले रखा है, यहाँ पे हम अपना गेहूं सरसों वगैरह उगा रहे हैं, तो ये सारा व्यू रहेगा। अब ये साउथ फेसिंग नहीं है बंगलो, तो सर्दियों में ये ऐसे गर्म नहीं होंगे पर गर्मी में ये अच्छे खासे ठंडे रहेंगे। अब हम बोतलों को इस तरह लगा रहे हैं जैसे हमने अपना मेडिटेशन एरिया में दीवार बना रखी है ना, और बाद में पीछे चढ़ के हम इसको क्लीन कर देंगे। चक्कर क्या था कि बियर की बॉटल का ढक्कन नहीं था, तो हम नहीं चाहते थे इसमें कीड़े कीड़े चले, हम उसको भी मिट्टी से ही मुंह बंद कर रहे हैं। ये सारी बॉटल्स हमें मिली है वेस्ट वॉरियर धर्मशाला से। अभी एक रेस्क्यू हमारे पास जसूर से नजदीक एक एरिया से आया है, इस डॉग को लाए तो हम स्पेस सर्जरी के लिए थे, लेकिन जब हम इसे तैयार करने लगे सर्जरी के लिए तब हमें नजर आया
कि इसे टीवीटी का इशू है जो कि अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है, तो 1 से 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट के साथ ये ठीक हो सकती है। अभी इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है और अगले हफ्ते हम इसकी सर्जरी कर देंगे और साथ में उसके बाद रिलीज कराएंगे। इसकी हालत कल से ज़्यादा ख़राब है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है इसका और बॉडी मूवमेंट भी बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। और इसकी जो वो ट्विचिंग हो रही थी कल, जो स्टैंड ट्विचिंग का ऐसा रहता है ना कि ये जब गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना किसी भी वजह से, नर्वस साइंस ज़रूर आते ही हैं, जैसे किडनी वाले केसेस में हमारे पास आते हैं, जब बन वगैरह बढ़ जाता है तब भी नर्वस साइंस आ जाते हैं, वो इशू हो सकता है। अभी बिल्कुल नहीं है, अभी सिर्फ इसका माउथ वाला रीजन कर रहा है। इसको सीडी भी हो सकता है, सस्पेक्टेड तो है ही, और ये सीडी और पारवो ये दोनों जो वायरस है बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, इस वजह से हम इसको अंदर भी नहीं रख पा रहे हैं। पहले दिन तो बंगलोज में रखा हुआ था, फिर काउशेड में शिफ्ट किया, लेकिन उसके बाद इसको जो सीडी के सिम्टम्स आने लगे तो हमने अभी इसको बाहर रखा हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि यहीं से इसकी ट्रीटमेंट हम कर पाएँ पूरी। जिस बछड़े को हमने कांगड़ा से रेस्क्यू किया था, जिसको पीठ वाले हिस्से में एक डॉग बाइट था, अगले सुबह उसकी डेथ हो गई। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत स्ट्रेस में था और डॉग बाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन में भी था। जिस पपी के लिए हम सुबह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उसकी ट्रीटमेंट हमने इमरजेंसी में शुरू कर दी थी क्योंकि उसकी कंडीशन और बिगड़ गई थी, ट्रीटमेंट के बावजूद भी हम उसे बचा नहीं पाए। अभी 2 और छोटे छोटे पपीज आए हैं, एक रेस्क्यू के लिए साहिर लोग ऑलरेडी गए हुए हैं अभी भाली, और 1-2 रेस्क्यू और आने हैं अभी। तो अभी पपीज तो इतना सा पपी है, छोटा सा एकदम, पिछले पैर में डिसलोकेशन हुआ है। आज सैटरडे है ना? हाँ जी। ये डिटेल्स हम आपको अगले अपडेट में देंगे, हम सिर्फ फ्राइडे तक की डिटेल्स हर वीकली अपडेट में रखते हैं। चुलबुली आज तीसरी बार अपने फॉरएवर होम जा रही है, पहले भी वो अडॉप्ट हुई है लेकिन उसके हाइपर एक्टिव बिहेवियर की वजह से वो वापस आ गई हमारे पास। कुछ टाइम ये इंडिलव में रही थी जहाँ ये ओपन 30 डॉग्स के साथ रहती थी, उस वजह से इसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है और जो हाइपर एक्टिवनेस है वो काफ़ी कम हुई है। अब अच्छे से खेलती है, उतना क्यूरियस नहीं होती क्योंकि अब ये ऑलरेडी बाहर काफ़ी टाइम रह चुकी है, तो इसको शांत रहने में आसानी होती है। अभी हमारे पास कुछ टाइम से क्लिनिक में ओपन रह रही थी सिर्फ बिहेवियर एडजस्ट करने के लिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए अब हमने इसे फिर से अडॉप्ट कराया है और अभी हमारे लोकल एरिया में अडॉप्ट हुई है। होपफुली इस बार वो अच्छे से वहाँ पे सेटल हो जाए। पीपल फार्म शुरू करने से पहले भी मैं एक सिंपल ज़िंदगी चाहता था कि भाई कम चीज़ें हों, कम रिश्ते, कम काम। पर जब पीपल फार्म शुरू हुआ तो मुझे लगा भाई ज़िंदगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इतना ताम झाम है, इतना रायता फैला रखा है, भाई गाड़ियाँ मेंटेन करो, बिल्डिंगें मेंटेन करो, इतने लोग हैं, इतना इक्विपमेंट है। पर हाल ही में मुझे एक बात समझ में आई कि भाई सिंप्लिसिटी कम में नहीं है, सिंप्लिसिटी है ज़रूरी में। तो ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी रिश्ते, ज़रूरी काम, और ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है वो तब समझ में आता है जब आपको पता हो कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं।